शरद साहब, एमकेएम और नू लीग वाले भी बड़ी देर से साथ बैठ रहे हैं, हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मामला तय नहीं हो रहे हैं। और अभी फारूक सत्तार साहब भी ब्रेक से पहले ये बात कहकर गए हैं कि नू लीग को शायद उनसे इतने मसाइल नहीं है। जो अब खबर सामने आ रही, समझ ये आ रही कि शायद पीपल्स पार्टी नू लीग और एमकेएम के दरमियान डेडलॉक की वजह बन रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिंध की हद तक हमेशा जो एमकेएम है वो पीपल्स पार्टी के लिए इरिटेंट के तौर पे रही है। और आपको याद होगा कि जब उनका मेयर था वसीम अख्तर साहब, हाँ जी, तो वो हमेशा सिंध की गवर्नमेंट से यही करते थे कि उनके फंड्स रोके जा रहे हैं, बहुत ही बेबस मेयर थे। तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ा नेचुरल सा है, लेकिन अब जाहिर सी बात है नए सिनेरियो के अंदर डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि एमकेएम पाकिस्तान की वैसे जरूरत नहीं है जिस तरह की जरूरत वो थी कि जो टसोरी साहब ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि वो हमारे 7 वोट थे जिनके जरिए पीडीएम की हुकूमत बनी और फिर उसके बेनिफिट्स भी उन लोगों ने लिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है होने को तो उनकी 17 सीटें हैं, लेकिन ये 17 सीटें उस तरह ज़रूरी नहीं है नून लीग के लिए, एक हुकूमत साजी के लिए उनकी ज़रूरत पड़े। पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात इस वक्त मेन ड्राइविंग सीट पर है, गोया कि अगर वो तआवुन नहीं करती तो एक अजीब सी डेडलॉक की कैफियत है, हुकूमत बन नहीं पाती। तो मेरा ख्याल में इस वक्त पीपल्स पार्टी टर्म्स डिक्टेट करवा रही है नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी की सारी इंडिया घी में इस टाइम। वजह यही है मेरे ख्याल में, अब वहां से जब तक कोई सिग्नल नहीं आता जरदारी साहब की जानिब से, बिलावल साहब की जानिब से, तब तक मैं नहीं समझता कि एमकेएम पाकिस्तान के लिए कोई कम्फर्ट जोन बन पाएगा। तो उनकी जो फिक्र है वो बड़ी जायज़ है, बड़ी जेन्युइन है, लेकिन अब क्या करें, एक पैकेज का हिस्सा तो जरूर बन गए हैं, बट उस पैकेज के अंदर उनकी अहमियत बड़ी कम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, उसके नतीजे में जो मिलने वाला है वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी ये जो इसहाक ढासा फरमा रहे हैं कि पार्लियामानी इजलास के बाद नवाज शरीफ साहब कुछ मसरूफियात की वजह से चले जाएंगे बैकफुट पर, तो वो ऑलरेडी चले गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मरियम साहिबा को पंजाब सौंप दिया गया बतौर वज़ीर आला, तो नवाज शरीफ साहब कौन सी मसरूफियात पे चले जाएंगे? ये लंदन चले जाएंगे, क्या खबर है ये? जब वो लंदन में थे तो मुल्क के अवाम की खिदमत की उन्हें तड़प थी एक तरह से, अब क्योंकि ड्राइविंग सीट पर नहीं है तो अब लंदन की और मेयरफेयर अपार्टमेंट की तड़प उनको खाई जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा यकीनन ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसके अलावा कहाँ जाएंगे वो? अगरचे वहाँ भी उनके लिए आज़ादियाँ नहीं है क्योंकि बाहर निकलते तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, सियासी तौर पे पार्टी को नुकसान यकीनन होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात को अगर आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एनालाइज करेंगे तो उनका इस तर्ज अमल का नतीजा क्या निकला सबके सामने है। लेकिन अब अगर वो निजी मसरूफियात को बुनियाद बना के कह रहे थे कि ये होगा, यकीनन वो तो आए थे इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए आए थे, हुकूमत करने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको लगे, और मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि उनका मिजाज है 2/3 वाला, वो कहते हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दें ताकि मैं इख्तियार कुल का मालिक हूँ, तब तो मैं हुकूमत करूँगा, अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत मुझे चाहिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब 8 फरवरी के रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने सिचुएशन को देख लिया है, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हुकूमत मैंने नहीं करनी, भले मेरा भाई करना चाहते तो कर ले, और मेरी साहबजादी को अगर शौक है कि उसने भी आके तो ये बतौर जमात तो भी तो ये मौकिफ सामने आ सकता था। नहीं, वो उसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए आपको, सच बोलना इतना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रही हैं? इस मुल्क में और इस मुल्क की सियासतदानों से आप ये तवक्को कर रही हैं कि वो 100% सच लोगों को बताएं कि वो क्या किस माइंडसेट के साथ इस मुल्क में सियासत करते हैं? इतना तो उन्होंने माना है ना कि हमें अक्सरियती मैंडेट अवाम ने नहीं दिया, हमें मिलजुल कर हुकूमत बनानी पड़ी। जारी बात है पीपल्स पार्टी जब अपनी मनवा रही है, आईनी ओदे रखेंगे, वजारते नहीं रखेंगे, और नून लीग कह रही है कि आप बैठे फेज 1 फेज 2 क्या अभी बैठे वजारते, मतलब नून लीग भी किस दिल के साथ उनको बार बार कहती होगी, कन्विंस करती होगी, आपको भी पता है। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन एक कंप्रोमाइज पोजीशन है ना नून लीग के एंड पे भी अगर एडजस्ट करने है, मतलब नून लीग इस टाइम पे जिस सिचुएशन में होगी वो भी कोई आसान चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, आसान नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर आप भी उनके साथ बंद कमरों में बैठ कर उनकी राय पूछें तो ये कड़वी गोली बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, क्योंकि उनका हरगिज दिल नहीं है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट। मजबूरी तो यही है ना कि अगर आप दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो 8 फरवरी का दिन फिर उनको थोड़ा सा डरावना ख्वाब लग रहा है कि खुदा ना खास्ता फिर लोग उसी तरह रिस्पॉन्ड ना करें, उससे ज़्यादा अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड ना करें कि ऐसा ना हो कि हमारी सिचुएशन और ज़्यादा एडवर्स हो जाए। तो फिर जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी है उसके अकॉर्डिंगली चला जाए, और उसके लिए जो भी कंप्रोमाइज किए जा सकते हैं, जिसकी सपोर्ट ली जा सकती है तो वो ली जाए। तो मेरे ख्याल में ये तो चीज़ें बड़ी क्लियर है कि जो कुछ हो रहा है वो कंप्रोमाइज वे में हो रहा है और लोग खुशी के साथ नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।